कांस्टेबल अमित कुमार राणा के असमय निधन से सारा दिल्ली पुलिस शोकाकुल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों और निकटजनों को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मेरी उनकी धर्मपत्नी और उनके निकट परिवारजनों से बातचीत हुई, जहाँ पे मैंने संवेदना व्यक्त किया और साथ में उनको हर संभव मदद की आश्वासन दिया। उनके लिए 1 करोड़ की कंपनसेशन के लिए आज ही हमने एक प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेजा है। इस कोरोना के जंग में जिस प्रकार से हमारे बहादुर पुलिसकर्मी कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और हिम्मत का परिचय दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस दौर में कुल 100 पुलिसकर्मी कोरोना से ग्रसित हैं, जिनमें 20 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और वो काम करने के लिए दोबारा से तैयार हो गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका काम बहुत ही सराहनीय रहा है और आप इसी प्रकार से सूझबूझ का परिचय देते हुए आप अपना काम करें। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें तेज बुखार या सांस लेने में तकलीफ, आप तुरंत ही अपने SHO या यूनिट के इंस्पेक्टर से संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं। वे तुरंत 7 में से किसी एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे हर संभव सुविधा है, वहाँ आपको ले जाएंगे और आपको एडमिट कराकर आपके टेस्ट कराएंगे। साथ ही मैंने सभी चौकी इंचार्ज जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनको ये भी हिदायत दिया है कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, आपकी दाखिला हो जाए और आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। मैंने उनको ये भी बताया है कि अगर कोई इस चीज़ में दिक्कत होती है तो आप सीनियर ऑफिसर्स का हेल्प लेकर के उनकी दाखिला करवाएं। मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूं, आप किसी समय भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपकी सेहत के लिए हम हमेशा कामना करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।